अब हम अभी मतलब डाट से स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने अभी मतलब थोड़ी सी डिस्कशन फिर हो गई, लेकिन फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास तो इंस्टॉलेशन वो सारी चीज़ें, डाट SDK सेटअप वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोगों की हो चुकी होगी। इसके बाद हम आते कोर्स पे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कमेंट होते हैं। कमेंट बेसिकली, अगर हम यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम कमेंट्स भी देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट, कमेंट्स इन डाटा डॉट कमेंट्स। अब हम यहाँ पे अगर थोड़ी सी इसकी मतलब वैसी अगर हम देखें, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास यहाँ पे ये होता है ना कि कमेंट्स आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट मीन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर। ये मतलब कंपाइलर जो है इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करता, बस सिर्फ ये ना कि ये हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कोड की। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ ना, तो इस एप्लीकेशन में अगर यहाँ पे मेरे पास 1000 ऑफ क्लासेस भी हो सकती है, तो एटलीस्ट अगर मैं कल को 1 साल बाद या 1 हफ्ते बाद जो है ना, मैं अगर अपना कोड ओपन करना चाहता हूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे याद हो कि मैंने कौन सा काम कहाँ पे किया हुआ और किस तरह किया हुआ है, क्योंकि कोड किसी को याद होती नहीं है। तो 1 हफ्ता भी अगर आप अपने कोड से थोड़ा सा दूर रहे ना, तो आप कोड भूल जाते हो। तो कोडिंग जो है ना, वो याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रॉपर जो है ना, अपने एप्लीकेशन की जो है ना, हमें कमेंट्स वो चीज़ें करनी चाहिए। अब ये एप्लीकेशन मैंने बनाया हुआ है, खैर ये तो मतलब MVVM मॉडलिंग मैंने यूज़ की हुई, तो इसमें से आप अगर आप लोगों को किसी को मैं बताऊं कि आप लोग जो है ना लॉगिन पे काम कर लें, तो लॉगिन में आप लोगों को यहाँ पे सामने नजर आ जाएगा कि ये हमारे पास लॉगिन का मॉड्यूल है, और ये हमारे पास अनबोर्डिंग का मॉड्यूल है, प्रोफाइल परचेज क्वेश्चन आल, ये हमारे पास अलग मॉड्यूल है, सर्विसेज है, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, यूटिलिटीज है, टीम वर्क है, हमारे पास डैशबोर्ड है, डाउनलोड वाला काम है, एग्जाम्स है। तो हमारे पास सारी की सारी चीजें जो है ना आप लोगों को सामने नजर आ रही है। तो इसमें मतलब फिर आप लोगों को फर्दर ढूंढना मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन इसके अंदर हम जब यहाँ पे कमेंट करते हैं ना, मतलब यहाँ पे कोडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ कि दिस मतलब यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट कर लिया इसके साथ हम, कि दिस फंक्शन इज यूज टू डिसाइड वेदर द सेकंड स्क्रीन विल ओपन। तो मतलब थोड़ा सा मैं सिर्फ अपने लिए मतलब नोट लिख सकता हूँ, या कल को मेरा एप्लीकेशन मतलब ये कोड जो है ना किसी और बंदे को मैं दे दूँ, क्योंकि कंपनी में अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो पॉसिबल है कि आपका कोड जो है ना मतलब एक एक दो दो बंदे जो है ना एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, या एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है वो कल को किसी दूसरा बंदे जो है ना उस पर काम कर लें। तो इसके लिए जरूरी ये होता है ना कि आप लोग जो है ना क्या करें, अपने कोड को कमेंट प्रॉपर कमेंट कमिटेड कोड कर दिया करें। इससे ये फायदा होता है कि आप जब भी आप अपना कोड देखोगे, तो आपको भी पता होगा, अगर कल को कोई दूसरा बंदा भी देखे ना, तो एटलीस्ट उसको भी डिफिकल्टीज नहीं होगी आपका कोड अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि सबसे जो मेन मसला है ना दूसरों के कोड को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज्यादा मसला होता है। कभी कभार मुझे तो इतना ज्यादा मसला होता है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब दूसरों का कोड इस तरह मतलब चेंज करने से बेहतर है कि मैं अपना नया कोड कर लूँ। वजह क्या होती है कि वो प्रॉपर कमेंटेड नहीं होता है, MVVM यूज नहीं किया होता है, तो मतलब पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ पे यूज की हुई है। तो इसलिए मुझे है ना मतलब कमेंट्स जो है ना वो आप लोगों की जो है मतलब कोड है ना उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होती है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट्स होती है, और डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स होती है। सिंगल लाइन तो हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास ये है ना कि अगर हम यहाँ पे लेकिन हमारे पास सिंगल लाइन, तो मतलब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन अगर टू फॉरवर्ड स्लैश इज बिफोर एनी लाइन अगर मैं डाल देता हूँ ना, तो वो मेरे पास कमेंट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो ये एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो ये एरर थ्रो नहीं करता है। हाँ, अगर एक चीज है कि कुछ चीजें कमेंट के अंदर भी अगर हम मतलब मेंशन करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टू डू लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये देखो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी लाइन जो है ना वो ब्लू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू डू हमने लिख दिया, तो ये चीज हमने करनी है। तो कल को हमने कहीं पे फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में मैं आ गया हूँ, मैंने मतलब सोचा कि मैंने कहीं पे मतलब अपना कोड जो है ना चेंज करना था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कमांड शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट F में प्रेस करके जो है ना
टू डू सर्च कर लेता हूँ तो टू डू में मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, मतलब सर्चिंग में आ जाती है कि ओ यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट भी करना है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करना है, मतलब अपने लिए जो है ना नोट्स भी लिख सकता हूँ कि हेयर आई विल मेक सम चेंजेस, तो ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। तो मतलब डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पज प्रॉपर एक पॉजिटिव की जो है ना, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं। इसी तरह मतलब हमारे पास अच्छा ठीक है, ये, आपने की कौन सी बताई थी, वो कौन सी कीज बताई थी, शिफ्ट कौन अच्छा सी? ये हम मतलब जब सर्चिंग करते हैं ना, एक तो हमारे पास कंट्रोल एफ, अगर आप लोग में बुक है तो कमांड एफ, तो हमारे पास इस पेज के अंदर हमारे पास सर्चिंग होती है, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ कमांड कमांड शिफ्ट एफ, या अगर आप लोग विंडो यूजर है तो कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो आप लोग ये करेंगे ना तो आपके पास ये देखो, प्रोजेक्ट में आप लोगों ने सर्चिंग करनी है, मॉड्यूल में आप लोगों ने सर्चिंग करनी है, या डायरेक्टरी में, या स्कोप आप लोग डिफाइन करते हो, तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में ये जितना भी प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, तो मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट में सर्चिंग होती है। हाँ, अगर मैं कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो कमांड शिफ्ट आर या कंट्रोल शिफ्ट आर, तो कमांड शिफ्ट आर अगर मैं प्रेस कर लो तो मेरे पास यहाँ पे ये सर्चिंग फील्ड है, और यहाँ हमारे पास रिप्लेसिंग फील्ड है। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ कि मतलब एम्प्टी कर ले, तो मैं अगर रिप्लेस ऑल या रिप्लेस कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे वो टू डू जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। खैर ये चीज़ें बाद में और भी काफ़ी कीवर्ड्स है, मतलब शॉर्टकट कीज़ और मतलब और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 लाइन्स जो है ना एक साथ मतलब वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास ये देखो ये इस तरह की सिलेक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं 3 लाइन्स में जो है ना एक साथ में कोड लिखाऊं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं ये इस तरह भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इक्वल टू मतलब इस तरह भी कर सकता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें वो फिर हम स्टेप वाइज जो है ना उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मतलब जितने भी कमेंट्स लाइन हम इसके साथ वो कर ले, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो अनकमेंटेड लाइन्स होती है ना वो सिर्फ एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे पास जिसके स्टार्ट में मतलब जितना भी एरिया हमारे पास ये है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 to 4 लाइंस है ना, या जितने भी हो, तो हम सबको सेलेक्ट करके जो है ना ये कमांड कमांड अगर हम फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं ना, तो हमारे पास सिंगल लाइन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कमांड शिफ्ट और स्लैश इंटर वो करते हैं, तो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंटेड हो जाते हैं। कमांड अगर मैं आप लोगों को कमांड, क्योंकि मैं मैक यूजर हूं तो इस वजह से मुझे कमांड प्रेस करना पड़ता है, अगर आप लोग विंडो यूजर है तो आप लोगों ने कमांड की जगह कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड से जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना कीबोर्ड में, आप लोगों को नजर देख ले, आप लोगों को नजर आ जाएगा, उसमें अगर हम शिफ्ट कमांड या शिफ्ट कंट्रोल फॉरवर्ड से अगर हम इंटर करें, तो हमारे पास ये देखिए सॉरी ये देखिए हमारे पास कमेंट भी होता है, अनकमेंट भी होते हैं, ठीक है इसी पे। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट कर ले और सिर्फ कंट्रोल फॉरवर्ड से हम कर ले, तो हमारे पास ये कमेंट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज़ें आप लोगों को, शॉर्टकट कीज़ मेरे ख्याल में यहाँ से भी मिल सकती हैं। ये देखो कट के लिए आप लोगों के कमांड एक्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ जो है ना इधर से भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल फिर हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स में हमारे पास ये होता है ना कि जिसके स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और एंड में स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश, तो ये दो चीज़ें होंगी ना, तो इसके बीच में से अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं ना, तो हमारे पास कमेंटेड होता है। तो ये हमारे पास हो गए मल्टी लाइन कमेंट्स, और यहाँ पे एक उन्होंने डॉक्यूमेंटेड डॉट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स भी होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अगर 3 लाइन्स जो है ना उसके साथ वो कर लें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अब हम जब भी वो क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे लेकिन ये चीज़ एक मिनट, अगर हम सिंगल लाइन पे वो क्लिक करें, अब ये देखो डॉक्यूमेंट मैं सिंगल लाइन कमेंट्स मैंने एक लाइन कर दिया है ना, अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने जैसे ही इंटर प्रेस किया ना, तो मेरे पास नेक्स्ट लाइन जो है ना कमेंट नहीं होगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेड के बाद जो है ना जब भी मैं प्रेस करूंगा ना, सिर्फ इंटर करूंगा, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है ना वो भी कमेंटेड होगी। तो हमारे पास ये जो क्या है, ये हमारे पास डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हैं। डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हमारे पास ये होते हैं कि 3 लाइन्स बिफोर होते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता है, मतलब उसमें और इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास कमेंट्स।
ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल में क्लियर होगा। इतनी कोई अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मतलब मैसेज कर लें, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर लूँगा। मैं फर्दर आगे जाता हूँ आप लोगों के साथ, मतलब डाट वेरिएबल्स और वो चीज़ें। अब हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट्स सब बंदों के अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो सर नमाज का टाइम है, काइंडली रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, हमारे पास अब ये है ना कि डॉट टाइप एंड वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं ना, इसको मैं फिलहाल मतलब रिमूव कर लेता हूँ। वेरिएबल्स हमारे पास टेम्प्रेरी, हम मतलब अगर जब तक एप्लीकेशन हमारे पास रन होती है ना, तो उसमें हम टेम्प्रेरी डेटा स्टोरेज के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो हाँ ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मैं नाम डाल दिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, तो ये हमारे पास वेरिएबल का नेम हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल टाइप हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हो गई है। तो ये हमारे पास जस्ट एक वेरिएबल है। वेरिएबल डिक्लेयर हम किस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम उसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं और इसके बाद हम उसको वैल्यू दे देते हैं। लेकिन अगर हम टाइप ना डिफाइन करें तो फिर हमारे पास मसला होगा। तो हम एक जनरल डायनामिक भी हम रख सकते हैं। डायनामिक हमारे पास डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, इस पे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ना, इस पे मतलब हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मतलब, अच्छा पहले हम हमारे पास एक हो गया ना स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिफत। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे काउंट हमारे पास हो गया 45, ठीक है। एक मतलब हमारे पास इंटीजर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे डबल इंडेक्स इक्वल टू 5.5, ठीक है। अभी तीन तरह के मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है कि हमारे पास वेरिएबल जो है ना डबल होगा का मतलब इंटीजर होगा या मतलब स्ट्रिंग होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वेयर का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हम किसी के साथ भी वेयर का कीवर्ड यूज करके जो है ना, या हम एक काम करके जो है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एप मतलब एक वेरिएबल डिफाइन करके इसको हम स्ट्रिंग डेटा भी असाइन कर सकते हैं, या हम इसको अगर इंटीजर असाइन करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, या हम कोई डबल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो ये अब हम अगर इस पे देखें तो हमारे पास ऊपर टाइप क्या डिफाइन हो रहा है, डबल डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको यहाँ पे मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम कमांड या कंट्रोल आपने प्रेस किया और यहाँ पे कर्सर लेके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताता है, यहाँ पे टाइप आप लोगों को बताता है स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे जो है ना इंटीजर डिफाइन कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ डिफाइन मतलब टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो वेरिएबल हम किसी भी मतलब टाइप डेटा के लिए, डेटा टाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है डायनामिक, हम डायनामिक हमारे पास एक डायनामिक वैल्यू होती है जो जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको 45 ये भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, ये क्या एरर दे रहा है। अब हम यहाँ पे द ऑलरेडी डिफाइन, अच्छा ये ऑलरेडी डिफाइन है सॉरी, हम यहाँ पे इसको ASDF बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ASDF जो है ना वो डिफाइन हो गया। तो ये डायनामिक वैल्यू हम कुछ भी उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हमने असाइन कर दिया 45, हाँ, या हम उसको कोई डबल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम डबल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी डायनामिक और वेयर में हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास टाइप इसकी डायनामिक ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारे पास वेयर के कीवर्ड में हमारे पास टाइप क्या होगी, इस वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर ये हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास टाइप इंटीजर होगी, अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो टाइप हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। तो मतलब इस वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग होगी। समझ आ रही है आप लोगों को, मेरे ख्याल में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगी, कोई इशू तो नहीं होगा। अगर सर, कोई ये जो वेरिएबल और डायनामिक आपने बताए हैं, दोनों में जरा डिफरेंस बता दें, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायनामिक, डायनामिक में हमारे पास डिफरेंस ये ना कि इसमें हमारे पास टाइप डायनामिक ही, डायनामिक बजाते खुद एक टाइप है, ठीक है। लेकिन वेर जो है ना हमारे पास ये टाइप नहीं, ये टाइप मतलब इस पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास वैल्यू होगी ना उसकी, उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम दे दिया तो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके आते तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है।
ठीक है, तो इस वेरिएबल का टाइप क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रिंग होगी यहाँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे डबल वैल्यू असाइन कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का टाइप क्या होगी, या डबल हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल जो है ना, ये सबसे पहले मतलब इसका टाइप जो है ना डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन जब इसकी इक्वल के बाद जो इसकी वैल्यू होती है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो जो भी इसकी वैल्यू होती है ना, इसका टाइप जो है ना, वेर जो कीवर्ड जो है ना, वो उसका टाइप वो ही डिफाइन कर लेता है। लेकिन इसमें हमारे पास डायनामिक में हम जो भी लिखे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डायनामिक ही रहेगी। मतलब इसका टाइप जो है ना हमारे पास डायनामिक, तो डायनामिक हमारे पास खुद एक टाइप है, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि मतलब ये हमारे पास डबल भी हो सकता है। हाँ मतलब आप डबल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसके लिए मतलब हर चीज एक्सेप्टेड है, लेकिन टाइप इसका क्या रहता है, टाइप इसका डायनामिक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आप लोगों के पास मतलब यहाँ पे मैंने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर दिया, मॉडल एलिमेंट, मॉडल एलिमेंट इक्वल टू मॉडल एलिमेंट, ठीक है। अब मॉडल एलिमेंट अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास यहाँ पे इस क्लास को मतलब हम क्या चीज़ें असाइन कर सकते हैं, मॉडल एलिमेंट। लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, इसको डायनामिक भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेयर का कीवर्ड भी असाइन कर सकते हैं। अब वेयर के कीवर्ड में इसका टाइप क्या आ गया, हमारे पास मॉडल एलिमेंट आ गया। हम लेकिन डायनामिक में हमारे पास क्या है, डायनामिक में हमारे पास इसका टाइप हमारे पास डायनामिक ही रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डायनामिक है ना, तो डायनामिक में अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है मॉडल एलिमेंट, या कोई इस तरह का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और चीज डेटा नोट कीपर, नोट कीपर, तो ये मेरे पास एक क्लास है शायद, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ था द डेटा इवेंट है मेरे पास। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, डेटा इवेंट, तो डेटा इवेंट इक्वल टू डेटा इवेंट, सॉरी डेटा इवेंट, ठीक है। अब हमने ये डिफाइन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल ये डेटा इवेंट जो वेरिएबल है ना, इसके बेस पे अगर मैं डाटा देखो, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जितना भी डेटा होगा, या जो चीज भी होगी, हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने वेयर का कीवर्ड यूज कर दिया, अब हम देखते हैं कि इसमें हम, अब ये देखो फिर भी मेरे पास उसकी सारी चीजें आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने डायनामिक यूज कर दिया। अब यहाँ पे डायनामिक के बाद जो है ना, अच्छा एक मिनट में आप लोगों के साथ बताता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास डेटा इवेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास की है, इवेंट नेम है, और हमारे पास लिस्ट ऑफ रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा, अब हमारे पास यहाँ पे की इवेंट्स वो चीज़ें आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको अब की अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इफ इशू आएगा, एक मिनट। अच्छा ये क्लास मैंने दूसरा डिफाइन किया हुआ है, सॉरी मैं एक और क्लास डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्लास पहले डायनामिक को एक ही एक जगह मिनट एक मिनट डिफाइन एक कर मिनट सकते हैं और एक वेरिएबल मिनट को एक अलग। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मॉडल एलिमेंट ये मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिफर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर लिया। अब हमने यहाँ पे मॉडल एलिमेंट के नाम से हमने, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे डाटा, अब हमारे पास यहाँ पे उसका नेम, हमने वेरिएबल नेम क्या रखा हुआ है, एक मिनट, क्या नेम रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे नेम, सॉरी एक मिनट, अभी तो हमारे पास आने चाहिए ना, नेम क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, चाहिए ये तो बहुत डिफॉल्ट पब्लिक ही है, नेम इक्वल टू हमारे पास अगर हम यहाँ पे डॉट
नहीं अभी मेरे पास आ रहा है लेकिन मेरे पास उधर नहीं आ रहा है। 1 मिनट हम इसको फंक्शन के अंदर कर लेते हैं, मेरे ख्याल में शायद फंक्शन का इशू है। लोड डेटा ठीक है। अब तो हमारे पास कचा सॉरी, वहाँ पे हमने क्या किया हुआ कि हमने यहाँ पे मतलब फंक्शंस के बाहर किया हुआ है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन नहीं था तो फंक्शन के बाहर अगर हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा इशू। अच्छा ये यहाँ पे हमने एक फंक्शन मतलब क्लास लेवल पे हम कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे फंक्शन लेवल पे हमें करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज़ करें तो हमारे पास तब भी नेम आना चाहिए, लेकिन अगर हम डायनामिक यूज़ कर लें ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो है ना कैन नॉट फाइंड डिक्लेयर, अब एरर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ ना, अब मैं कंट्रोल के साथ अगर इस पे क्लिक करो तो मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर मैं डायनामिक यहाँ पे कर लो, डायनामिक यहाँ पे कर लो, तो ये मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लेके आ रहा, क्योंकि हमारे पास डायनामिक अलग एक टाइप है, तो उस टाइप अब ये मुझे मसला भी नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेल लिख लिया, मेल भी मुझे मसला नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड मतलब वेयर का वो लगा दिया या मैंने मतलब क्लास नेम दे दिया तो मुझे यहाँ पे मेल का इशू आ रहा है, क्योंकि वो उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो डायनामिक में हमारे पास ये होता है ना कि ये एक अलग टाइप है, तो हम कोई कोई भी चीज़ उसको असाइन कर सकता है, चाहे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन वेयर का कीवर्ड आप लोगों को मैंने बता दिया कि वेयर के कीवर्ड हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये जो इक्वल के बाद हमारे पास जो मतलब डेटा होता है ना उस पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हम कमांड या कंट्रोल के साथ इस पर अगर हम कर्सर लेके आए ना, तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली वो बताते हैं कि यहाँ पे मॉडल इवेंट मतलब आपका टाइप क्या है, मॉडल इवेंट है। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई है क्वेश्चन? अच्छा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज कर ले, फिर मैं देख लेता हूँ। अब हमारे पास ये तो हो गई डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमारे पास ये इक्वल की इस साइड पे जो होती है ना वो डेटा टाइप की जो है ना हमारे पास वैल्यू होती है, या हमारे पास डेटा क्यों मतलब सॉरी वेरिएबल का वैल्यू होती है, ये हमारे पास वेरिएबल नेम और ये हमारे पास क्या है वेरिएबल टाइप है। हम चलो ठीक है। अब आते हैं हम मतलब ये और क्या चीज़ है हमारे पास, वेयर का कीवर्ड वो सारी चीज़ें। अब बिल्ट इन लिटरल्स हमारे पास, बिल्ट इन भी हमारे पास, अगर ये हम देखें ना 1 मिनट। सर मेरा एक क्वेश्चन है आप जी जी पूछें। जान से सर, जैसे आपने डायनामिक में बताया ना कि हम सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर इसी तरह हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर ये रनिंग में मसला करेगा, क्योंकि उठाता तो ही अगर सारा कोई कुछ है जैसे। अगर कोई चीज़ उसको मिलेगी नहीं, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ना, अभी आपको क्वेश्चन है ना कि अगर रनिंग में हमें ये मसला बताएगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैंने डेटा इवेंट डाटा नेम का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब नेम तो एग्जिस्ट करता है ना, मतलब यहाँ पे मैंने जी असाइन कर दिया। अब हमारे पास मतलब डायनामिक में तो हमें मतलब कुछ भी दे सकते हैं उसको हम, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू दी जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर हमारे पास रनिंग टाइम में इशू आएगा, वो मतलब हमारे पास क्रेशेस भी हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ असाइन नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास वो एरर थ्रो करेगा ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल नेम का मैंने आप लोगों को बता दिया, तो नेम तो एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग नेम असाइन करेंगे तो फिर हमारे पास ये मसला नहीं करेगा, चाहे इस साइड पे हम जो भी चीज़, क्योंकि हम डायनामिक वेरिएबल को कुछ भी असाइन कर सकते हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन रन टाइम पे डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास ईमेल है ही नहीं, अब ये मुझे उस जगह पे नहीं लेके जा रहा है, देखो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लेके जा रहा है, लेकिन वेरिएबल के साथ मुझे यहाँ पे मतलब लिंक कर रहा है, क्योंकि इसका टाइप डिक्लेयर हो गया तो ये मुझे यहाँ पे लिंक कर रहा है, तो मुझे इधर ही लेके आ रहा है, तो फिर रन टाइम में डेफिनेटली वो चीज़ जो है ना मसला कर सकती है, मतलब क्रैश भी हो सकती है या एरर भी थ्रो कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखो बिल्ट इन डेटा टाइप जो हमारे पास होती है ना, वो हमारे पास नंबर्स होते हैं ठीक है, नंबर्स में हमारे पास इंटीजर और डबल होते हैं, स्ट्रिंग्स हमारे पास होते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होंगे जो मतलब डबल, ये नंबर में हमारे पास ये एक तो हमारे पास इंटीजर हो गए ठीक है, काउंट मैंने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया होगा, मैं आप लोगों को बता दूँ 1 मिनट इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो
नंबर्स में हमारे पास कैन बी फ्रॉम, यहाँ पे अगर आप लोग फुली उसकी डॉक्यूमेंटेशन या वो चीज़ें देखें तो आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू, आप लोगों ने डीएलडी शायद पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, अभी भी यूनिवर्सिटी में मुझे याद है कि मतलब 16 बिट मतलब वो होते 8 बिट होते 16 बिट होते, तो उस तरह की मतलब हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये भी काम कर रही हूँ, अब यहाँ पे तो इसमें टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसमें हमारे पास 19 डिजिट्स तक जो है ना हमारे पास स्पेस, इसके बाद जो है ना वो मतलब एरर थ्रो करती हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमारे पास ये इतनी स्पेस एलोकेट कर सकता है इंटीजर मतलब मेमोरी में, तो अगर हम डबल पे आ जाए तो डबल में हमारे पास अगर इंडेक्स इक्वल टू, तो अगर यही वाला हम कॉपी कर लें ठीक है, अगर हम इसके साथ कुछ और भी, और सॉरी अगर हम इसके साथ कुछ और भी लिखना चाहें तो हमारे पास, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास डबल डबल इंडेक्स डॉट, अब हमारे पास यहाँ पे ठीक है, तो इसमें हमारे पास डबल में हमारे पास क्या होता है कि हम मतलब एक ज्यादा स्पेस हमें एलोकेट हो जाती है, तो अगर एक छोटी सी वेरिएबल है तो उसके लिए हम इंटीजर, क्योंकि हम मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है ना तो इतनी स्पेस हमें एलोकेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेस जो है ना ऑफिस में 30 बंदों की है, तो अगर हम 30 बंदे मतलब 35 बंदे रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्पेस जो है ना वो ओवर हो जाएगी, तो इसी वजह से हम मतलब 10 भी रख सकते हैं 15 भी रख सकते हैं, तो हमें एटलीस्ट मैक्सिमम 30 बंदे रखने होते हैं। तो अगर छोटी मतलब डिजिट से तो इसके लिए आप लोग इंटीजर यूज कर सकते हैं, अगर डबल है तो उसके लिए मतलब आप लोग, या जिसमें पॉइंट्स के बाद भी वैल्यूज तो आप लोग डबल भी यूज कर सकते हो, तो ये सिर्फ ये डिपेंड करता है ना कि मतलब आप कितनी स्पेस उसको एलोकेट करना चाहते हैं और उसकी मतलब रेंज कितनी होती है, वो आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ये जो है ना ये थोड़ा सा बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है, ये वाला इसका नाम क्या है, ये अच्छा गिग्स फॉर गिग्स, ये तो फिर मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप लोग देख लेना, बिल्डिंग डेटा टाइप्स, डेटा टाइप इन डाटा, अगर हम थोड़ा बहुत डाट टाइप सिस्टम डेटा टाइप्स इन डाटा टाइप्स, अच्छा हम यहाँ पे ये हमारे पास डाटा टाइप्स, तो इसमें हमारे पास ये देखो नंबर हमारे पास नम्स भी हो सकते हैं, अच्छा नम्स भी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं नाम ठीक है, तो हम नाम लेते हैं ठीक है, तो हमारे पास ये नम्स भी एक डेटा टाइप है हमारे पास, तो नंबर्स में हमारे पास इंटीजर डबल और नम भी हो सकते हैं, और स्ट्रिंग हमारे पास हो सकते हैं, और हमारे पास बुलियंस हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं नंबर्स की। यहाँ पे अगर हम रेंज देखना चाहते तो हमारे पास यहाँ पे रेंज भी 16 बिट ऑपरेटिंग मतलब 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स ना हमारे पास हो सकते हैं, तो 64 बिट्स क्या होते हैं, 16 बिट्स क्या होते हैं वो आप लोगों ने मतलब उसमें पढ़ा होगा, क्या नाम है डीएलडी में पढ़ा होगा, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मतलब ये स्पेसिफिक मतलब वो होती है क्या नाम है 8 बिट्स होती है 16 बिट्स होती है, वो आप लोग मतलब खुद ही सर्च कर ले, आप लोगों को थोड़ा बहुत सही आइडिया हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ पे नंबर्स बुलेटिन में हमारे पास है, तो बुलेटिन में हमारे पास ये चीज़ें आ सकती हैं ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, बुलियंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, लिस्ट हो सकते हैं और मैप्स हो सकते हैं, ये लिस्ट और मैप्स जो है ना आप लोगों के कोर्स में है और आप लोगों ने इसको सही तरीके से स्टडी करना है, ये दो चीज़ें आप लोगों के बहुत ज़्यादा यूज होंगी हैं, आप लोगों ने इस पे सही कमांड हासिल कर लिया तो आप लोग आगे मतलब फ्लटर में आप लोग जितने भी लॉजिक्स या जितनी भी एपीआईज का काम करेंगे, डेटा का काम करेंगे, और उस पर डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स की बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक जो है ना आप लोगों को, अगर ये दो चीजें क्लियर है ना तो आप लोग जो है ना सही जबरदस्त तरीके से लगा सकते हैं। वैसे ही थोड़ा सा मतलब आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास लिस्ट में इंटीजर, तो हमारे पास ये लिस्ट होता है लिस्ट इक्वल टू, तो ये एम्प्टी लिस्ट है, तो हम यहाँ पे मतलब जितने भी हम वो करना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी साइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायनामिक जो है ना डायनामिक भी इसको साइन कर सकते हैं,
लिस्ट हमारे पास डिफरेंट चीजों की हो सकती है। लिस्ट लिस्ट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट्स जो होते हैं ना, मतलब हमारे पास जो विजिट्स होते हैं उसकी भी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज, मतलब डिफरेंट चीजें हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी तो खैर मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा सा वो हो गया, तो मतलब हम इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कोर्स में ये लिस्ट और मैप्स जो है ना, इसको प्रॉपरली आप लोगों ने मतलब स्टडी करके इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। हम खुद भी करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कर ले के कोर्स में, क्योंकि जो कोर्स है ना, कोर्स में वो चीजें मतलब उन उस बंदे ने जो है ना, मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन की हैं। मैं बीच में से बहुत सी चीजें मिस भी कर लेता हूँ, लेकिन उस बंदे ने मिस नहीं की, तो आप लोग काइंडली उसको नोट करें और उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। तो ये बुलेटिन भी हो गया। लिटल्स हमारे पास ये होते हैं ना कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नेम है ना, अब इसको हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, तो हमारे पास या तो ये हमारे पास लिटल्स होते हैं, मतलब जिसको मतलब जिसका मतलब कोई नाम नहीं होता है वेरिएबल, मतलब मतलब जिसकी हमने ना कोई नाम डिफाइन किया, ना डेटा टाइप डिफाइन किया, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो हमारे पास ये लिटरल्स ही होते हैं। और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमारे पास, अच्छा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है वो आप लोग देख लें, जो मतलब आप लोगों को कोर्स में नहीं मिलेगी। तो स्ट्रिंग हमारे पास ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास नेम है ना, नेम यहाँ पे मैंने लिख लिया सिपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग में फॉर एग्जाम्पल क्या लिखो, मैं क्या कहते हैं इंट्रो, ठीक है। अब इंट्रो में अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ऊपर वाले स्ट्रिंग को जो है ना, मतलब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये नेम प्लस या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ माई माई नेम इज अ, तो हमारे पास यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्लस के साथ पहले कंकेटिनेट करते हैं, लेकिन ये मतलब गुड अप्रोच नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में हमारे पास ये होता है ना कि डॉलर साइन हम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम इसके साथ नेम कंकेटिनेट, तो हमारे पास ये इंट्रो अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास माई नेम इज, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अच्छा इसमें हमारे पास एक ये है ना कि हमारे पास ये सिंगल लाइन में, मतलब अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने डॉलर साइन जो है ना उसको भी प्रिंट करवाना है, तो आप लोगों ने इसके सामने पहले क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बैक स्लैश जो है ना ये लगाना है। तो ये आप लगाएंगे ना, तो ये आप लोगों के साथ जो है ना ये डॉलर साइन जो है ना ये भी मतलब प्रिंट हो जाएगा। ये मतलब एज अ वो काम नहीं करेगा कि मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में काम नहीं करते, मतलब एज अ स्ट्रिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ वेरिएबल्स है जो इसको हम एज अ स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरवर्ड बैक स्लैश एन हम लगाए ना, तो यह हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, इसको एन को प्रिंट नहीं करवाएगा। तो स्पेशल करेक्टर्स है कुछ जो मतलब एज ए स्ट्रिंग हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इसे स्ट्रिंग यूज करना है तो हमने क्या करना है कि हमने ये वाला मतलब साइन जो है ना ये वाला हमने यूज करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये मतलब जिसके सामने स्पेशल करेक्टर के सामने भी हम ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे ना, तो हमारे पास वो चीज जो है ना इज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे डबल कोट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल कोट्स में भी हम कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी हो गए और डबल कोट्स भी हो गए, लेकिन हमारे पास मसला ये है ना कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बटा बाद मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैं एस इसके साथ मतलब एज अ वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन ये आती है ना कि हमारे पास यहाँ पे वो ये समझता है ना कि ये स्ट्रिंग इधर से शुरू हो गई और इधर पे खत्म, मतलब इधर से शुरू और इधर पे खत्म हो गई। तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि एक तो ये वाला इसको हम डबल कोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डबल कोट कर लेंगे और इसको भी हम डबल कोट्स कर लेंगे, तो हमारे पास ये बीच वाला जो है ना, अब ये जो है ना इस एस को जो है ना वो एज ए मतलब इस साइन को एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, मतलब इसको मतलब एज अ स्पेशल करेक्टर कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोट ही है ना, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एज अ स्पेशल करेक्टर ना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से वो करेंगे, तो हमारे पास ये एज अ स्पेशल करेक्टर शो नहीं होगा, बल्कि एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा।
अब हमारे पास यहाँ पे एक और तरह के कमेंट्स है हमारे पास। ये तो हमारे पास सिंगल कोट कमेंट हो गया और डबल कोट्स कमेंट हो गया, और एक हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस में हमने क्या किया कि ट्रिपल सिंगल कोट्स, फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स। अब इसके बीच में से जो है ना, मतलब जहाँ पे भी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन पे जाता हूँ ना, तो दूसरी लाइन में ये मुझे जो है ना क्या करेगा, ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे मैं नहीं जाता हूँ, चाहे मैं सिंगल लाइन कमेंट्स कर लूँ या डबल लाइन कर लूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये होगा ना कि हमारे पास ये एरर थ्रो करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम जितनी भी लाइंस में हम वो करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वो कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग अगर हम लेना चाहते हैं मल्टी लाइन में, तो हमारे पास यहाँ पे थ्री सिंगल कोट्स पहले है और थ्री सिंगल कोट्स जो है ना बाद में हम इसको एंटर करते हैं ना, या मतलब पुट करते, तो इसकी वजह से हमारे पास ये सारा का सारा जो है ना एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। हम तो होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि अगर स्ट्रिंग के अंदर से अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम नेम को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये नेम जो है ना यहाँ पे इसके साथ प्रिंट हो जाएगा, तो डॉलर साइन के। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ हम करना चाहते तो अब इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने फिर ये ब्रैकेट्स ना लगाए ना, तो फिर ये पहले जो वेरिएबल है ना इसको तो क्या करेगा, इसको तो मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन स्ट्रिंग ही कंसिडर, मतलब वेरिएबल कंसिडर करेगा, लेकिन ये दूसरी चीज़ जो है ना एज स्ट्रिंग आ जाएगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि डॉलर के बाद जो है ना, डॉलर साइन के बाद जो है ना आप लोगों ने ये ब्रैकेट्स डालने हैं। तो ये ब्रैकेट्स डालेंगे ना, तो आप लोगों के पास नेम का लेंथ जो है ना यहाँ पे माई 1 2 3 4 5, तो आप लोगों के पास माई 5 जो है ना वो आप लोगों के पास प्रिंट हो जाएगी। सर इसको जरा प्रिंट करें स्क्रीन के ऊपर। इसको 1 मिनट, यहाँ पे मुझे प्रिंट करने के लिए वो कंसोल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसको रन करूँगा। 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर कोशिश करता हूँ कि इधर इसको प्रिंट कर लूँ। सर सिंपल डार्ट पैड में जाके कर लेना। अच्छा हाँ, डेट भी, अब असल में यहाँ पे टाइमिंग सेशन का टाइम बहुत कम रहेगा। आप लोग खैर इसको खुद ही ट्राई कर ले और इसको खुद ही खैर प्रिंट कर ले, खैर बाद प्रिंट में करूँगा। प्रिंट कर ले, और आप लोग देख ले, मतलब आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने थोड़ा सा कॉन्स्टेंट और फाइनल कीवर्ड जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, क्योंकि अभी सेशन भी खत्म होने वाला है और टाइम भी मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल या परसों जो है ना और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही है, ये लिटरल इज आवर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और हमारे पास ये कॉन्स्टेंट फाइनल और की कॉन्स्टेंट कीवर्ड्स, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। जब तक आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं भी इसी कोर्स पे ही रहूँगा। तो कोशिश कर ले आप लोग खुद भी, मतलब ये जो कोर्स है ना, कोर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसमें भी उन्होंने ये मोस्टली चीज़ें की हुई हैं, तो आप लोग इसको भी, ये लेक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो दूसरा कोर्स भी आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की लर्निंग, इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लें, क्योंकि अभी सेशन खत्म हो जाएगा, तो दोबारा सेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। सही है,